हेलो, मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं योग रिलेटेड से कुछ गुरुजी से बात करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेरा पेट में थोड़ा कब्जियत रहता है, उसके लिए कौन सा योगा अच्छा रहेगा। नमस्कार आशीष जी, जैसा कि मैंने अभी आपका सवाल सुना कि आपको अक्सर कब्ज की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, तो ऐसा है कि कब्ज की समस्या जो है आजकल आम हो गई है, हर दूसरे व्यक्ति को कब्ज की समस्या होती है। इसका मूल कारण हम लोग योग में जो हो तनाव को कहते हैं। पहली बात तो ये कि आप थोड़ा सा तनाव से परहेज रखें, स्ट्रेस जो है वो कम लिया करें। अगर वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है या फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस है तो उसको शॉर्ट आउट करें और स्ट्रेस थोड़ा कम लें। दूसरी, जब हम योग के इसमें इलाज की बात करें कब्ज़ में, तो इसमें जो है वो कुछ आसन हैं जिनको आप सुबह करेंगे तो आपको यकीनन ही अगर तीव्र कब्ज नहीं होगा तो आराम मिलेगा। तो सबसे पहले आप सुबह क्या करें, सुबह उठने प्रांत उठने के बाद गुनगुना पानी ले लें और 2 गिलास गुनगुना पानी पिए। उसके बाद मैं 3 आसनों का नाम लूँगा, इन 3 आसनों को आपको 5-5 बार करना है। ये 3 आसन हैं, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी चक्रासन। 2 गिलास पानी, 2 गिलास गुनगुना पानी पीकर इन 3 आसनों को 5-5 बार करिए और उसके बाद आप प्रेशर रिलीज करने के लिए जाइए, उसके बाद आप वॉशरूम की ओर बढ़िए। अगर आपको बेसिक कॉन्स्टिपेशन हुआ, तीव्र कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो इतने में ही आपको विगत 4 से 5 दिनों में रिलीफ महसूस होने लगेगा। यदि आपको तीव्र कॉन्स्टिपेशन है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, तो आप लघु संघ प्रक्षालन का अभ्यास कर सकते हैं। लघु संघ प्रक्षालन का अभ्यास योग में षटकर्म के अभ्यास में आता है। इसमें आपको क्या करना है, लघु संघ प्रक्षालन के अभ्यास में आपको 5 आसन करने हैं, हर आसन के बाद आपको 2-2 गिलास पानी पीना है। यानी 5 आसन किया आपने, उसके बाद 2 गिलास पानी पिया, फिर 5 आसन किया, फिर 2 गिलास पानी पिया। तो वो आसन कुछ इस प्रकार है: ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, कटी भुजंगासन, उद्राकर्षण। ये 5 आसन आपको 2 गिलास पानी आप पियेंगे, 2 से 3 गिलास, उसके बाद 5-5 बार इन 5 आसनों को करेंगे, फिर 2 गिलास पानी पियेंगे, फिर इन आसनों को रिपीट करेंगे, ऐसा आप 3 बार करेंगे। तो ये लघु संघ प्रक्षालन का अभ्यास क्या करेगा कि आपके आंतड़ियों में फंसे हुए मल को क्लियर करेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ करेगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि लघु संघ प्रक्षालन के अभ्यास को आप किसी कुशल योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करिएगा। और उसके अलावा आप सुबह सुषुम पानी के साथ 3 आसनों का अभ्यास कर सकते हैं, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन। ये तो था योग के बारे में। अब थोड़ा खान पान पर भी हम लोग चर्चा कर लें। कोशिश करिएगा आप कि तेल मसाले वाले खाने कम खाएंगे, साथ ही अपने भोजन में सलाद की मात्रा बढ़ाइएगा, फाइबरस जो वेजिटेबल्स हैं उनकी मात्रा बढ़ाइएगा, जैसे गाजर, टमाटर, प्याज, मूली, पत्ता गोभी, इन सब का जो है क्वांटिटी सलाद का थोड़ा बढ़ाइएगा, क्योंकि फाइबरस वेजिटेबल खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। साथ ही साथ कोशिश करेंगे आप कि हर दिन सुबह उठ के गुनगुना पानी ही पिए, ब्रश होने से पहले 2 गिलास गुनगुना पानी पिए। धन्यवाद।